बाबा की नाराजगी दूर करने पहुंची निगम आयुक्त। पिछले दिनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हारिया ने आरोप लगाया था कि नगर निगम उनके ही विधानसभा क्षेत्र के गरीबों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अन्य विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम कार्रवाई नहीं करता है। इस संबंध में श्री हारिया ने विरोध करते हुए गिरफ्तारी तक देने तक की धमकी दे दी थी। बाबा की नाराजगी तो देखते हुए आज निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में लंबे समय से सड़क निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहे महालक्ष्मी नगर क्षेत्र का दौरा करने पहुंची। इस मौके पर विधायक श्री महेंद्र हारिया, क्षेत्रीय पूर्व पार्षद संजय कटारिया, पूर्व MIC सदस्य दिलीप शर्मा, राजेश उदावत, महालक्ष्मी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष अर्जुन गौड़, तुलसी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष राजेश तोमर और अन्य लोग उपस्थित थे। आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल ने क्षेत्र का दौरा करने के बाद कहा कि इस सड़क को नगर निगम अपने खर्च से बनाएगा। उन्होंने कहा कि कई कॉलोनियों को जोड़ने वाली इस सड़क को बनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं विधायक महेंद्र हारिया ने कहा कि इस सड़क को लेकर लंबे समय से क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसके चलते इसे नगर निगम द्वारा बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे राज्य सरकार से भी इसके लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। वहीं पूर्व पार्षद संजय कटारिया ने कहा कि यह सड़क लगभग 20 कॉलोनियों को जोड़ती है, अब इस पर काफ़ी ट्रैफिक हो गया है, इसका सिर्फ आधा हिस्सा बना होने के कारण आए दिन यातायात गुत्थम गुत्था होता है, इसलिए इसे बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। महालक्ष्मी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष अर्जुन गौड़ और तुलसी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष राजेश तोमर ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से ये सड़क जल्द ही बनाना प्रारंभ हो जाएगी। मुझसे सानी गया, वो अंडे वाले का, वो महिला का, वो फल वालों का, सब्जी वालों का, जो बार बार मेरे पास चीजें आ रही थी, तो मुझको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। अब मेरे को बोलना चाहिए तो मेरे को मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद इंदौर के जिला प्रशासन ने उसको संज्ञान किया और वो कार्रवाई स्थगित कर दिया। 5 नंबर को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से वो राव विधानसभा में जाते नहीं है, 2 नंबर में जाते नहीं है, 4 नंबर में जाते नहीं है। ले देखो, उनको ये साफ करना लग रहा, साफ स्पॉट लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी कर लूँ कोई बोलने वाला नहीं है, तो फिर मैंने को ये स्टेप लेना पड़ा। अभी आगे भी कभी कार्रवाई इस तरह की होती है? नहीं नहीं, नहीं होगी, अब नहीं होगी। लेकिन आप निश्चित ऐसी कार्रवाई करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कार्रवाई अब नहीं होगी। मेरे को भरोसा है कि अब नगर निगम, क्योंकि अब मैं खुद मैदान में हूँ, मैं खुद आज से जन जागरण के लिए निकल रहा हूँ। मैं पथकर व्यापारियों को, दुकानदारों को सबसे मैं बातचीत कर रहा हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो नियम कायदे उसका पालन कीजिए। जब लोग नियम कायदे का पालन करेंगे तो कोई एक्शन लेने का हो सकते हैं। इंदौर में जो लॉकडाउन की बात चल रही है कि अगले त्योहारों पर लॉकडाउन लग सकता है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, ऐसा मुझे संभावना नहीं लगती। अगर हुआ तो? नहीं नहीं, ऐसी भाई हुआ का तो कोई वो नहीं है ना, हुआ तो अब यहाँ हजारों पेशेंट निकलने लगेंगे तो लॉकडाउन लगेगा। ये तो अपने ऊपर है ना, अपन नागरिकों के ऊपर भी कोई जवाबदारी है कि नहीं। अगर अपन ने इन सारी चीजों का पालन किया तो ऐसी स्थिति इंदौर में नहीं आएगी। क्या बाबा अधिकारी भी फोन नहीं उठा?